नमस्कार दोस्तों, डिस्कशन विद मनोज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ये भर्ती है हेडक्वार्टर की इन्फेंट्री स्कूल की महू के द्वारा, है ना, मऊ, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं आपको साथ साथ बता दूं दोस्तों कि यहां पर टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो, टोटल वैकेंसी 101 है और ये ग्रुप सी की भर्ती है और ये मऊ में भी खुली है मध्य प्रदेश के, और इसमें से कुछ वैकेंसी जो है बेलगांव में भी है कर्नाटका के। ठीक है, मतलब आप समझ जाइए कि इन्फेंट्री स्कूल की वैकेंसी मऊ में भी है और ये बेलगांव कर्नाटक में भी है। और क्या हम दोनों भर सकते हैं? आप कोई भी एक भर सकते हैं, दोनों के लिए आप नहीं भर सकते। ठीक है, ये पूरी तरीके से एक ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, इसमें आपको ₹50 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भेजते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप ये समझ जाइए कि लास्ट डेट जो है वो 25 जुलाई है। ₹50 का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा और ये ₹50 का डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ जो है जनरल वाले बनाएंगे और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बनाएंगे और ओबीसी वाले बनाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर के। फिर से रिपीट करता हूँ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल और आपके ओबीसी, बाकी सभी के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। उनको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं देना है, जैसे कि एससी, जैसे कि एसटी, जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना, एक सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ये लोग पूरी तरीके से फ्री इसे भर सकते हैं। सर, क्या एज रखी है, कौन कौन सी पोस्ट खुली है, उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, पोस्ट को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ पोस्ट इन्होंने रखी है टेबल नंबर 1 में और कुछ पोस्ट रखी है इन्होंने टेबल नंबर 2 में। अगर आप टेबल 1 में रखी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस एड्रेस पर भेजेंगे वो एड्रेस दूसरी होगी, और अगर आप टेबल 2 पोस्ट के लिए, जितनी उसमें वैकेंसीज हैं, जो जो पोस्ट उसमें दी हैं, उनमें से किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तब आपका जो क्या कहना चाहिए एड्रेस है वो दूसरा होगा। जैसे कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां पे लिखा है टेबल 1, तो उसके लिए आपको एड्रेस ये डालना होगा दोस्तों, टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन स्क्रूटनी बोर्ड द इन्फेंट्री स्कूल मऊ एमपी। फिर ये कोड यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सर टेबल 1 की कौन कौन सी वैकेंसी है वो भी बता दीजिए। तो टेबल 1 की वैकेंसी दोस्तों आपके सामने है, ये रहा टेबल 1 और ये है रिक्रूटमेंट फॉर द कौन सा, मऊ स्टेशन के लिए, है ना, यानी कि एमपी के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉट्समैन की खाली है और ये सारी सी लेवल की है। आपको बता देता हूँ एक ही पोस्ट खाली है इसमें, वो भी एसटी के लिए खाली है, ये आपको दिख गया होगा, है ना। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किसके लिए, एक सर्विसमैन के लिए खाली है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए खाली है ना। अपनी अपनी कैटेगरी में आप ये सारी पोस्ट देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ड्रॉट्समैन की है, लोअर डिविजनल क्लर्क की भी है, स्टेनोग्राफर की है। मैं अभी सब बताऊंगा किसमें टाइपिंग चाहिए, किसमें क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर हम अभी बात करेंगे। पहले मैं टेबल 1 और टेबल 2 पर बात कर दूँ ताकि आपको दिख जाए कि अगर आप टेबल 1 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपका एड्रेस क्या होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और अगर टेबल 2 के लिए होगा तो एड्रेस दूसरा होगा। ठीक है, तो अभी हम टेबल 1 की कौन कौन सी वैकेंसी है, ताकि हम अप्लाई करने से पहले ये तो देख ले किस टेबल की वैकेंसी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर डी में आप देखेंगे सिविलियन मोटर ड्राइवर है, इसके लिए हैवी, इसके लिए देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, मैं पहले बता दूं, और आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा और वो भी हैवी व्हीकल्स का। ठीक है, ये मस्त है दोस्तों, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें सिविलियन मोटर ड्राइवर में। इतनी इतनी सैलरी है आपकी, देख सकते हैं आप, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है, और कुक और एक और है यहाँ पे, आपके ट्रांसलेटर भी है और यहाँ पर बारबर भी है। ठीक है, तो बाकी आप बाकी ये देख लेंगे। तो दोस्तों ये था टेबल 1। ठीक है, अब आप आओगे टेबल नंबर 2। ये जो दिख रहा है आपको, ये है टेबल नंबर 2, है ना। मैं और नीचे देख लेता हूँ, 1 सेकेंड, बिल्कुल सही है भाई। तो ये टेबल 1 था, ये जो अभी आपने देखा है टेबल 1 है और ये रहा बी, यानी ये है हमारा टेबल 2। अगर किसी को टेबल 2 में वही पोस्ट है, देखो लोअर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर, सिविलियन मोटर ड्राइवर, कुक हो गया, आर्टिस्ट या मॉडल बेकर हो गया, ये सब हो गया, इसमें कुछ वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको अपने अपने जगह पर इसको देख लेना है, कैटेगराइज इसको बांटा गया है, तो अपने हिसाब से देखिएगा इसमें कि क्या कैसा है ना, देख करके। ये पीडीएफ मैं शेयर करूंगा, ये पीडीएफ की जरूरत है आपको, पहले सुन लीजिए, क्योंकि इसमें जो फॉर्म है ना भाई, आप बोलते हैं ना कभी कभी फॉर्म कहाँ है सर, फॉर्म इसी में है दोस्तों। तो आपको जहां पर फॉर्म लिखा है ना, जो फॉर्म है उसका बस प्रिंट निकलवा देना है ना, उसको बोल देना कि मुझे सिर्फ इन 2 पन्नों का प्रिंट चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक दे दूंगा। सर डिस्क्रिप्शन, कई लोग को दिक्कत होती है डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, तो मैं भी आपको सब सिखा रहा हूँ, बस आप सुनते जाइए कि डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अभी सुनना, और वहां से आप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। फिर वहां से जाके बस सीधे किसी भी ऑनलाइन दुकान में जाना और कहना मुझे ये प्रिंट निकालना है, वो निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप टेबल 1, आपने टेबल 2 देख लिया, टेबल 1 मतलब मऊ की जॉब, टेबल 2 मतलब बेलगांव कर्नाटक की जॉब। ठीक है, अगर वहां करना है तो वहां ये वैकेंसी है। तो अब भाई देखो एलडीसी दोनों में ही खाली है, अगर आप कर्नाटक के लिए अप्लाई करने वाले हो तो मतलब आप टेबल 2 पे आ गए हो, और अगर टेबल 2 पे आ गए तो किस एड्रेस पे भेजोगे भैया, बेलगांव वाले पे भेजोगे ना, तो इसलिए टेबल 2 का ये एड्रेस हो जाएगा। समझ गए, ये यहाँ से आपको करना है कहाँ, पोस्टेड ये जेएल विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटक स्टेशन
शुड बी एड्रेस, नहीं यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, टू से शुरू होता है, टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे यहाँ से शुरू होता है ना टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वैसे यहाँ से भी शुरू होता है टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि इसमें भी था, है ना, एप्लीकेशन स्क्रूटनी बोर्ड जो कि इसमें भी था, द जूनियर लीडर्स विंग, द इन्फेंट्री स्कूल, बेलगांव, कर्नाटक, ठीक है। तो देखना है आपको कि टेबल वन यानी कि मऊ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऊपर वाला एड्रेस, और अगर नीचे के लिए अप्लाई करो तो नीचे वाला एड्रेस। सर ये सब हम समझ जाते हैं, लेकिन सर हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, किसकी हमें दिक्कत है सर, वो जो ऑफलाइन फॉर्म भेजना होता है, एनवेलप वगैरह, वो कैसा होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ उसका यहाँ पर। देखिए दोस्तों, आपको कैसे करना है उस एड्रेस को, बहुत ध्यान सुनिएगा, है ना, मैं नीचे बता दूँ कहीं पर खाली जगह मिल जाए अगर मुझे, तो एक मिनट रुकिए मैं नीचे चला, देखो आपके लिए पूरा फॉर्म भर देता हूँ, पूरा फॉर्म मैंने अच्छे से समझ लिया। देखिए अब बहुत ध्यान सुनना आप, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले आपका एक बड़ा सा ऐसा एनवलप आएगा, देखो या तो आप इसको घर में बनवा लो, है ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाके ले सकते हो, मार्केट से भी ले सकते हो, ब्राउन कलर का ही आता है, हल्का हल्का ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और अब बस ध्यान सुनना, स्टेप नंबर वन बता रहा हूँ, सबसे पहले बड़ा सा एनवलप आएगा, चाहे तो घर में बना सकते हैं, नहीं तो ठीक है। इसमें क्या होता दोस्तों, यहाँ पर लिखा होता द पोस्ट अप्लाइड फॉर, अब किसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपने स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपने स्टेनो पूरा लिखना है, पूरी पोस्ट का नाम लिखना है यहाँ पे। और इसमें इतनी जगह रखना कि अब देखिए जनरल वालों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को, मतलब आप समझ रहे ना, अगर आपने कोई जनरल को छोड़ करके, देखिए जनरल को छोड़ करके बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सब रिजर्व्ड मानी जाती हैं, आपको पता है, ठीक है, रिजर्व्ड मानी जाती है, चाहे वो एससी की हो, चाहे वो एसटी की हो, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो एक्स सर्विस मैन हो, है ना, चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, चाहे वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हो, ठीक है, और कौन बच गए, और कोई नहीं बचा ना, और कोई नहीं बचा, ठीक है। तो अगर इनमें से आप कोई भी हैं तो मतलब आप रिजर्वेशन में आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। अगर रिजर्वेशन में तो आपको यहां पर अपनी कैटेगरी लिखनी है, ठीक है, कैटेगरी जैसे कि मान लीजिए अब जनरल वालों को कैटेगरी नहीं लिखनी है, कैटेगरी किसको लिखनी होती है, सिर्फ रिजर्व वालों को लिखनी पड़ती है, मतलब अगर आप एससी से तो यहां पे आप एससी लिख देंगे, अगर आप एसटी से तो यहां पे आप एसटी लिख देंगे, यहां पे आप पीडब्ल्यूडी से तो पीडब्ल्यूडी लिख देंगे, ईएसएम से तो ईएसएम लिख दिया, समझ गए। और यहां पर दोस्तों एक लाइन, ये ना ये एक आप जाना शॉप में आपको बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, देखो मैंने कहा ना या तो आप ब्राउन कलर का ऐसा एक बड़ा सा एनवेलप ले लो, उसमें पहले से लिखा रहता है द पोस्ट अप्लाइड फॉर, पहले से ही लिखा रहता है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर आपका एड्रेस आता है फ्रॉम, कि कहाँ से है, तो फ्रॉम में आपने पूरा लिख दिया, ऐसा पूरा एड्रेस यहाँ पे अपना पिन डाल दिया, सब कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आता है टू, कि किसको भेज रहे हो, अब अगर आपको मऊ जाना है तो मऊ वाला आपका एड्रेस होगा, उसका पिन कोड यहाँ पे खत्म होगा, है ना, और या फिर अगर आप बेलगांव भेजना चाहते हो तो बेलगांव के लिए फिर एड्रेस, मतलब दोनों में से कोई एक होगा और उनका एड्रेस यहाँ पर होगा, समझ। तो ये पहला हिस्सा आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब सर दिक्कत है कि इसके अंदर इनसाइड में क्या आपको भरना है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए इसके इनसाइड में एक और एनवलप लोगे आप, एक और एनवलप, छोटा सा एनवलप होगा ये, ठीक है, ये एनवलप भी भेजोगे और इसमें आपको 25 रुपये का स्टाम्प खरीद के लगा देना है, ठीक है, 25 रुपये का स्टाम्प लगा दिया आपने, है ना, 25 रुपये का स्टाम्प इसमें लगा देना, है ना, और इसमें भी आपको अपना एड्रेस लिख देना है, सारा कुछ यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, यहाँ पे अपना फोन नंबर ये सब लिख करके, देखो पिन कोड यहाँ पे खत्म होगा और यहाँ पर अपना फोन नंबर ऐसे लिख करके पूरा छोड़ देना। और सर इसका एनवेलप करना क्या है, ये एनवेलप आपको चुपचाप अंदर डाल देना है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बड़े वाले में कोई भी स्टाम्प नहीं लगाया जाता है, जो भी स्टाम्प आपको बोला गया 25 रुपये का वो इसमें लगाया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या इनसाइड जाएगा, तो ये नंबर वन था, एक खाली एनवेलप होगा, है ना, एक खाली एनवेलप होगा, उसमें 25 रुपए का स्टाम्प आपको लगाना है, चिपकाना है, 25 रुपए का स्टाम्प खरीदना है, उसमें चिपका देना है और यहां पर अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है, यहां पे अपना एड्रेस, जैसे कि सन ऑफ किसका किसके क्या है और कहां पता नंबर जो भी है, बिल्कुल एग्जैक्ट जहां पर आपको चाहिए। दोस्तों ये क्यों भरते हैं सर, ये क्यों भरते हैं खाली वाला एनवेलप, ये एम्प्टी एनवेलप ये क्यों लेकर के जाते हैं, इसी में दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आता है, ये आप अपना एडमिट कार्ड अपने पास भिजवा रहे हो और अपने पास भिजवा रहे हो तो अपना एड्रेस बिल्कुल सही लिखना, फोन नंबर के साथ लिख देना। इसमें क्या करते हैं ये लोग ले करके इसी में बस एडमिट कार्ड आपको डाल के दे देंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड इसी में आएगा, तो इसी एड्रेस पे आएगा जो लिख रहे हो, इसीलिए एड्रेस बहुत सोच समझ के लिखना, क्या आप समझ गए कि ये क्यों जरूरी होता है, ठीक है, इसीलिए इसको खाली भेजना होता है, इसमें कोई भी फोटोकॉपी कुछ मत डाल देना, ये बिल्कुल एनवेलप खाली इसको चुपचाप इसमें डाल देना, ठीक है। अब देखिए एक ये डाल दिया आपने, और क्या डालना है सर इसमें, सर इसमें कुछ फोटोज डाल देना, अपनी फोटोज जो आपने चिपकाई होंगी ना, अभी आप जब फॉर्म भरोगे तो इसमें जो फोटो चिपकाओगे उन्हीं में से कुछ 2-3 फोटो आप इसमें अंदर डाल देना चुपचाप से, ठीक है। तीसरी चीज क्या है सर, ये दूसरी चीज हो गई, तीसरी चीज क्या, तीसरा है भैया आपका डिमांड ड्राफ्ट, है ना, जो भी डिमांड ड्राफ्ट है उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रख लो और ओरिजिनल वाला इसमें डाल दो, ठीक है, सीधे इसमें अंदर डाल करके इसको भेज दो, है ना, देखो वैसे तो इसमें सब कुछ है ना, लेकिन आपको डीडी भी भेजनी है, डीडी कितने रुपए की है, 50 रुपए की, किसके फेवर में मैं भी बता दूंगा, देखिए दो लोग के फेवर में हो सकती है, देखिए अगर आप मऊ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इन फेवर ऑफ मऊ हो जाएगा, और अगर आप बेलगांव के लिए अप्लाई करो इन फेवर ऑफ बेलगांव हो जाएगा, कैसे है मैं भी बता रहा हूँ। तो क्या क्या भेजना है, एक खाली एनवेलप नंबर वन,
आपका फोटो दो तीन वो हो गया, चलो है ना, डीडी हो गया। अब चौथी चीज आती है दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज, फोटोकॉपीज वो भी सेल्फ अटेस्टेड है ना, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का साइन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जितनी फोटो आप लगाएंगे ना, जहां जहां फोटो लगाएंगे, फोटो में भी ऐसे क्रॉस साइन कर देना, जैसे फोटो लगाई इसमें ऐसे करके ऐसे क्रॉस साइन कर दिया, ठीक है, ये कर देना, तो ये फोटो हो जाएगी सेल्फ अटेस्टेड। इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड, जब आप खुद का साइन कर, ऐसे होता है आप सारे डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराओ। डॉक्यूमेंट मतलब समझते हो दोस्तों, मतलब आपका 10th, आपका 12th, अगर आप कहीं काम कर रहे थे एक सर्विस में, तो आपकी ज्वाइनिंग डेट, पे स्केल, सब कुछ। अगर आप कहीं भैया काम कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आपको एनओसी लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी आपको इसमें डालना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी डालनी पड़ेगी, ठीक है। एससी वालों को अपने एससी सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, एसटी वालों को एसटी, लेकिन ओरिजिनल नहीं, आपको इसमें सब फोटोकॉपी डालना है, सब फोटोकॉपी होगी इसमें, कुछ भी ओरिजिनल नहीं होगा, ये आपको ध्यान सुन लेना, ठीक है। तो क्या क्या समझ गए, एक खाली एनवेलप, कुछ फोटोज, डीडी है ना, डीडी हो गई, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, इसकी फोटोकॉपी अपने पास रख लेना अच्छे से है ना, या जो भी है, जैसा भी है ना, वैसे भी डीडी नंबर तो इसमें भरना पड़ेगा आपको, और डॉक्यूमेंट्स की सारी फोटो कॉपी, समझ गया ना, 10th 12th जो भी है सारा कुछ है ना, कहाँ डीसीए किया है, जो भी किया है ना, हर एक चीज़ जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अब आप समझ गए इतनी सी बात, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको पूरा एनवेलप भेजना होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वापस आकर के, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ कैसा दिखता है आपका, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा दोस्तों, ये रहा फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, ये देखो ये एप्लीकेशन है। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे ये पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो 6 नंबर दिख रहा है, मतलब सामने वाले को बोलना है 6 पेज से लेकर के 9 पेज तक के प्रिंट निकाल दो, तो वो प्रिंट में अपने एडजस्ट करेगा और 6 से 9 तक निकाल देगा, ऊपर के पन्ने आपके प्रिंट होकर के नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसको बताना होता है कि मुझे कौन कौन से पन्ने चाहिए होते हैं, तो इसको डाउनलोड कर लेना। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है फोटो लगा दी है ना, अब सेल्फ अटेस्टेड लिखा है, तो फोटो लगा करके ऐसे क्रॉस साइन कर देना, मुंह पे साइन नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना छाती तक साइन जाए, है ना, तो आधा साइन फोटो के बाहर, आधा साइन फोटो के ऊपर, तो इसे सेल्फ अटेस्टेड मानते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आप भी समझ गए होंगे मेरी बात जो मैंने आपको बताई, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इतने को, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया ना सभी को, चलिए मैं थोड़ा सा रेड पेन ले लेता हूँ आपके लिए, है ना। अब देखो यहाँ पे और अंदर भी देखो, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लोअर डिवीजन क्लर्क या जो भी है, अगर इनके लिए, अब देखो कुछ भी जिसके लिए बार बार कुक जो भी है वो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मान लो आप स्टेनोग्राफर या लोअर LDC के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 या लिख देंगे लोअर डिविजनल क्लर्क, जो भी लिखेंगे। अब आपको ध्यान सुनना है, इनके लिए होता है भैया टाइपिंग टेस्ट होगी इनकी आपका, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि टाइपिंग टेस्ट किसमें चाहिए, इंग्लिश में कि हिंदी में, तो यहाँ पर वो लिख देना कि अगर मुझे इंग्लिश में आता तो इंग्लिश में करो, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग आती है तो हिंदी में करो, जिसमें भी आप अच्छे बोले। अगर आपने नहीं लिखा तो याद रखिए, अगर आपने इसे ब्लैंक छोड़ दिया, इसमें हिंदी या इंग्लिश नहीं लिखा, तो ये आपकी टाइपिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लेंगे, है ना। ये मान लेंगे कि आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है, आप सोचिए भले ही आपको फिर हिंदी की आती हो, है ना, आप उसमें माहिर थे, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आपने बताया नहीं कि किसमें आपको टाइपिंग करनी थी, तो वो फिर वो मान लेंगे कि इंग्लिश की है। जब मतलब अगर ये जगह खाली छूट गई ना, तो आपकी इंग्लिश की करवाएंगे फिर, भले आप फिर बाद में बदलेगा भी नहीं, ये भी सुन लो ध्यान से, ठीक है। रेफरेंस, न्यूज़ पेपर, एडवर्टीजमेंट नंबर, यहाँ पर डेट वगैरह सब डाल करके। अब देखो क्या लिखा है, टू फॉर द पोस्ट मेंशन, अगर टेबल 1 है तो ये वाला एड्रेस है आपका, देखो मैंने कहा था ना, और अगर आपका टेबल 2 है तो ये वाला एड्रेस है आपका, समझ गए इस बात को, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है ब्लॉक लेटर में अपना पूरा नाम सब कुछ, जैसे 10th की में था, 10th में जैसे पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी था, है ना, एज आपकी क्या है, अभी पूरे मंथ बच्चे से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब देखो SC ST आ गए ना, ये सब केस में से बिलोंग करते, तो उसके सर्टिफिकेट भी आपको लगाने पड़ेंगे उसी एनवेलप में भेजने के लिए। ये बार एक्स सर्विस मैन हो भैया, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, कितने लंबी सर्विस करी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्विस डिस्चार्ज जब आप जब हुए हैं तो वो बताना पड़ेगा आपको। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी तो भैया टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी, नेशनलिटी, रिलीजन यहाँ पर सब डाल दो, एड्रेस डाल दो अपना, रेलवे स्टेशन कौन सा नियर का है वो बता देना यहाँ पर, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश बाय द एप्लीकेशन अपना, ये सब ये ध्यान रखना, पैन नंबर, आधार नंबर और ये सब कुछ बताना है। अब देखो ये आ गया डिटेल ऑफ भाई एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, भाई कहाँ क्या कितना पड़ा है, और ये सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए भी होंगे, ठीक है। अगर आप कहीं सर्वेंट हैं तो यहाँ पे NOC आपको बताना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पर आ गया ना, ये रहा एनक्लोजर में क्या क्या रहेगा, देखो पोस्टल ऑर्डर, देखो 1 सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवेलप ड्यूली अफिक्स्ड, देखो ₹25 का स्टाम्प, सेल्फ एड्रेस होना चाहिए, देखो लिखा ना सेल्फ एड्रेस का, ये आपके एडमिट कार्ड के लिए होता है। यहाँ पे अपना साइन कर देना भैया, ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख करके ऊपर साइन कर देना यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा प्रिंट निकालना आपको, है ना। पोस्टल ऑर्डर, अब देखो DD का नंबर क्या है वो लिख देना, डेट किस में, ₹50 का वही है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होंगी आपकी, है ना, वो आपको डाल देनी अंदर यहाँ पर अपना। अब देखो
किसको डाल, अगर आप पुरुष हैं मेल तो आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट थंब का थंब इंप्रेशन लगेगा, और अगर आप फीमेल है तो आपका राइट थंब का इंप्रेशन डलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख करके भरेंगे। और ये भैया दोस्तों ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए फॉर्म है, तो अगर आपके पास नहीं तो इसको निकाल करके फोटो वोटो लगा करके भर देना। ठीक है, और एक और है दोस्तों यहाँ पर, ये क्या कहना चाहिए, एक्स सर्विसमैन के लिए डिक्लेरेशन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भैया आपको ये साइन करना है, ध्यान सुन लीजिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ये भरना है ना। अब यहाँ देखो जरा, है ना, ये ओबीसी के लिए था ये सबका, अब ये सबके लिए, ये नीचे वाला ये है दोस्तों, एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ पर अपनी फोटो लगा देना एक, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना। यहाँ पर भी फोटोकॉपी लगा देना, सेल्फ अटेस्टेड कर देना। यहाँ पर ऊपर सिग्नेचर कर देना, ठीक है, यहाँ पर भी अपना ऊपर सिग्नेचर कर देना, अपना नाम लिख देना, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट किसके लिए अप्लाई करी, कौन सी कैटेगरी है वो लिख दिया आपने। ठीक है, यही है आपका एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड है जो काट करके वो वापस दे देंगे। इसलिए ढंग से सब चीज़ें लगाना, ये उसी एनवेलप पे आएगा जो 25 रुपये का स्टाम्प लगाया ना आपने छोटा सा, उसी में आएगा ये, इस वाले में। ठीक है, ये समझ गया होगा अब आप मेरी बात, है ना, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, है ना। चलिए अब अपन आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर और समझ लेते हैं इस बात को कि हमें किस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बचा है, और दोस्तों पेपर बचा है ना कि रिटर्न टेस्ट वगैरह सब कैसे होंगे, तो उसके सिलेबस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, टेबल 1 टेबल 2 तो आपने देख ही लिया था, है ना। और अब आते हैं दोस्तों कि भैया किस पोस्ट के लिए क्या है, तो अपनी पोस्ट के लिए आप अपने हिसाब से समझ लो इस बात को कि मैं क्या बोल रहा हूँ वहाँ पे। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए और लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 12th होना चाहिए, 12th पास आप होने ही चाहिए। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इन दोनों फर्क क्या है। स्टेनोग्राफर में आपको डिक्टेशन दिया जाएगा 10 मिनट तक, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और एक तो ये हो गया आपका, दूसरा आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि भाई लिख करके दिखाना पड़ेगा, तो अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपको 50 मिनट में लिख करके बताना पड़ेगा, और अगर आप हिंदी देखते हैं, हिंदी से टाइपर है, तो आपको 65 मिनट में उनके कंटेंट को लिख करके दिखाना पड़ेगा। समझ गए, तो ये कंप्यूटर पर होगा। चलिए समझ गए आप, तो स्किल टेस्ट के ये नॉम है, ये किसके लिए था, ये स्टेनोग्राफर के लिए था। लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए दोस्तों ये सब नहीं करना होता, इसमें सीधे टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर तो डिक्टेशन था कि वो बोल रहे हैं 10 मिनट तक बोलेंगे तो इतने स्पीड में आपको लिखना है। फिर एक क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन है भाई, दे देंगे सामने कि लो भाई इसको लिख करके दिखाओ, तो आपको कंप्यूटर पर अगर इंग्लिश से हो तो कंप्यूटर पर 50 मिनट में लिख के दिखाना पड़ेगा उस पूरे कागज को जो भी दे देंगे वो, और अगर हिंदी से हो तो 65 मिनट में लिखना पड़ेगा। अब इंग्लिश टाइपिंग, अब लोअर डिविजन LDC के लिए भैया यहाँ पर इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश चुना वहाँ पर फॉर्म में मेंशन किया तो 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड दिखानी पड़ेगी, और अगर आपने हिंदी चुना तो 30 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड दिखानी पड़ेगी। अगर आप अप्लाई करते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए तो आपके पास 10वीं होना चाहिए, 10वीं पास, और साथ में एक लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप कुक की बात करें तो कुक के लिए सिर्फ 10वीं चाहिए और आपको एक्सपीरियंस चाहिए, पर इसमें साल वगैरह कुछ नहीं दिया गया। अगर आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो 12वीं पास होने चाहिए, और आपकी अच्छी खासी क्या कहना चाहिए, सॉरी आपका और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, DCA PGDCA ऐसा कुछ होना चाहिए। 12वीं पास और डिप्लोमा इन कंप्यूटर है तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशन से उसके लिए हिंदी में चाहिए होगी। ठीक है, डिजायरेबल को पढ़नी जरूर, डिजायरेबल का मतलब होता है दोस्तों कि अगर ये हुआ तो बहुत अच्छा है, तो लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। बार बार की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और बस 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो ये डिजायरेबल है, ज़रूरी नहीं है, है ना, बस होना चाहिए इतना है। ड्रॉट्समैन की बात करें दोस्तों, इसको डिप्लोमा चाहिए ड्रॉट्समैन में, और 2 साल का कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, मॉडल मेकर की बात करें 10वीं पास होना चाहिए और इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राइंग का। ठीक है, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट की बात करें दोस्तों, जिसमें अब देखो ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट जितने भी होंगे, चाहे टाइपिंग का हो चाहे जो भी हो, है ना, ये सारे के सारे क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे रिटन टेस्ट के। ठीक है, रिटन टेस्ट में ही इसी से आपकी मेरिट बननी है, लेकिन मेरिट इससे बनेगी, लेकिन ये भी तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो क्वालिफाई तो ये भी करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सर एज की बात करें, देखो अगर आप अप्लाई कर रहे हो लोअर डिवीजन में, बता दिया था ऊपर ही, ट्रांसलेटर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए तो 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए, और वहीं अगर आप सिविलियन मोटर आर्टिस्ट ड्राइवर के लिए, आर्टिस्ट या मॉडल मेकर या ड्रॉट्समैन के लिए तो 18 से 27 साल की उम्र होनी चाहिए। छूट जो मिलती है वो मिलेगी, SST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की छूट मिलती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल तक की छूट मिल जाती है। ठीक है, और उसमें ही फ़र्क पड़ता है भाई कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल से है तो 10 साल, OBC से है तो 13 साल, और SC ST से है तो 15 साल। एक्स सर्विसमैन को ये कह रहे हैं कि भैया कुछ छूट तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इनसे मेंशन नहीं है, वो खैर एज पर द रूल होगा, है ना, वो वहाँ पर ही बताया जाएगा। अब डिमांड ड्राफ्ट ही देखिए किसके फेवर में बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट वो सुन लीजिए। ठीक है, इनको तो कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाना है, तो आप समझ गए होंगे SC ST PWD और मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन को, सिर्फ जनरल जनरल वालों को बनानी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को बनानी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को बनानी है। इनके लिए है भैया फीस, यानी 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इनसे लिया जाएगा। अब डिमांड ड्राफ्ट तो भाई किसके फेवर में बनेगा ये देखना, तो अगर मैं मऊ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ये वाला है भैया, इन फेवर ऑफ द कमांडेंट द इन्फेंट्री स्कूल मऊ,
बात खत्म, है ना। अगर समझ गए ना, अगर मऊ में है और टेबल वन में आपका आता है वो तो। और अगर आप बेलगाम के लिए अप्लाई करना चाहते तो आपका रहेगा इन फेवर ऑफ द, ये लिखा है, कमांडर जूनियर लीडर विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव। समझ गए इस बात को, बस यही है। तो डीडी नंबर जो भी आएगा वो लिख देना है। तीन फोटोज आपने देख लिया होगा, एक आपका कहाँ चिपक रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में, और दो तो आपके एडमिट कार्ड थे याद है वो दो दो, तो वहाँ पे, और सेल्फ अटेस्टेड होगा दोनों में, तो यही है। और दो तीन फोटो तो आपको इसमें अपने एनवलप में भी भेज देनी है, तो काफ़ी फोटो निकाल लो। 25 जुलाई दोस्तों लास्ट डेट है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप सर देखिए यहाँ पर कहते हैं 2 घंटे का आपका पेपर होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं ना, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन इंग्लिश वाला जो पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी इंग्लिश हिंदी में दोनों में रहेगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर जनरल रीजनिंग आ रही है, अब जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर, इंग्लिश थोड़ी सी आ जाएगी, और आपका मैथ्स आ जाएगा। मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश के क्वेश्चन 50 50, और करंट अफेयर भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और रीजनिंग आ रही है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। समझ गए इस बात को। और ये सिलेबस लिखा है दोस्तों जिसको आप आराम से पढ़ सकते हो, क्या क्या आ रहा है, और मेरे ख्याल से पढ़ना भी चाहिए, है ना। इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे आप जाने से पहले, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, ये मैंने आपको बताया ना इस तरह से लिखना पड़ता है। ये इनने बताया कि आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अब रिजल्ट कैटेगरी वाले अपने कैटेगरी भी इसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है ना, तो इसको थोड़ा सा देखना है आपको। और देखो, इफ द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर लोअर डिविजनल क्लर्क एंड डू नॉट इंडिकेट, वही है, ये मैंने बता दिया आपको कि अगर आपने इंडिकेट नहीं किया तो ये आपको इंग्लिश में टेस्ट ले लेंगे, तो भैया ऐसा नहीं करना आप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेंटर कहाँ होगा सर रिटर्न एग्जाम का, ये भी एक दिक्कत रहती है। तो सेंटर भैया देखो मऊ में होगा और बेलगांव कर्नाटक में होगा, तो मनी बात है अगर मऊ में अप्लाई किया तो मऊ में जाना पड़ेगा रिटर्न टेस्ट देने, बेलगांव में दिया है तो बेलगांव में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या एसेंशियल सर्टिफिकेट होते हैं, सेल्फ अटेस्टेड लेजिबल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन। ये वो जो मैंने यहाँ पर अब मार्क किए ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे ड्रॉट्समैन के लिए आपको 10th की मार्कशीट बहुत जरूरी है, मतलब इसकी फोटोकॉपी वो भी सेल्फ अटेस्टेड जानी चाहिए। डिप्लोमा इन ड्रॉट्समैन ये भी बहुत जरूरी है, अगर एसटी, क्योंकि एसटी के लिए खाली थी ना एक पोस्ट, तो वो भी एक जरूरी है। जिस भी कास्ट के लिए खाली है, अगर आप कास्ट का फायदा उठा रहे हैं तो आपको वो लगाना पड़ेगा। ऐसे इसके लिए 10th 12th और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 10th 12th और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मोटर ड्राइवर के लिए भी 10th सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड डालना पड़ेगा, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी उसको दिखाना पड़ेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर कास्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो भी होगा, कास्ट से, अपनी कास्ट से अप्लाई कर रहा तो, है ना, अगर जनरल का नहीं तो। और अगर कुक है तो भाई 10वीं और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसलेटर है तो 12वीं चाहिए, है ना, और उसका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी में, सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास विशारद भूषण कोविद का, है ना, और डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास कंप्यूटर, ये याद है ना, इसी के लिए डीसीए चाहिए था, या डीसीए हो या तो पीजी डीसीए हो भैया, कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। बार बार के लिए 10वीं मार्कशीट है, एसटी की सर्टिफिकेट है, और बस इतना ही है। और आर्टिस्ट मॉडल के लिए 10वीं की मार्कशीट मांगी गई है, और कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया अगर लग रहा है तो। दोस्तों इतना था भैया जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है, कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा, और जाते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन का बटन हिट जरूर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर यही करने के लिए यहाँ पर आता हूँ, यही पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आता हूँ कम से कम समय में और पूरी जानकारी के साथ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरे पास जैसे ही टाइम होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या दोस्तों टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि मैं दिन भर इसमें लगा रहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ एक बार के, डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है थोड़ा सा वो भी देख लीजिए, है ना। जैसे कि ये आपने यहाँ पर इस चीज़ को खोला, ठीक है, और यहाँ पर आप गए और ये गया, ठीक है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर YouTube खोल दूँ आपके लिए, और ये हमने खोला भैया YouTube हमारा, ठीक है, और यहाँ पर आपने जैसे ही सर्च मारा, क्या डिस्कशन विद मनोज, नहीं डिस्कशन विद मनोज सर्च नहीं मार रहे, ठीक है, चलो मैं तो आपको खैर अपने सीधे चैनल पर ले जाता हूँ, योर चैनल पर। अब देखिए ये है ना, वीडियोस पे गए, देखना बहुत बहुत ध्यान से देखना। मान लीजिए आपने कोई वीडियो मेरा उठाया, जैसे ये दिख रहा है आपको वीडियोस में, आप यहाँ पर इतने सारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो ये भैया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत सारी 400 करीब करीब जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज खुली हुई है, सरकारी नौकरी जाके देखो। BSF की वही फॉर्म खुल चुकी है, IBPS क्लर्क, IDBI बैंक, BSF, और पता नहीं इतनी सारी वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने ये वाला खोला मेरा वीडियो, ठीक है, आपने ये वीडियो ओपन किया, ठीक है, ये वीडियो ओपन हो गई, है ना, अब ये सामने चल रही है। आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, जब भी ऐसा YouTube आप वीडियो ऐसे चला रहे हो तो आप नीचे जाओगे, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि ये दिख रहा है मोर, ये रहा, है ना, यही मोर को जब आप टच करोगे तो ये देखो दिख रहा है यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही होगी, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कहाँ से आया, तो ये देखो एक लिंक मैंने दी है नोटिफिकेशन की। अब जिसको भी नोटिफिकेशन, जैसे इसको क्लिक करेगा उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो ऐसे करके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, समझ गए आप मेरी बात, है ना। तो दोस्तों अपने भाई का ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम से,
आप मेरे फेसबुक से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब तो आपके पास ही है, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, बहुत तरीके हैं आपके पास, है ना, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे। तो दोस्तों बस इतना ही आपको बताना था, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना भूलना।